नमस्कार, आदावर्ध है, सत श्री अकाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ZRFZ YouTube चैनल और मैं हूँ आपका चिर परिचित वही पुराना डॉक्टर आरिफ कुरैशी। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी भी भाई बहन को कुत्ता काट लेता है तो क्या करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गाँव में, शहर में, मंदिर में, मजार में बैठ करके ये दवा देते हैं कि कुत्ते ने काट लिया है, ले आके आइएगा गुड़ और मैं आपको वो दवा खिला रहा हूँ, आपके बच्चे को वो दवा खिला रहा हूँ। तो दोस्तों, वाकई मैं आपको एक आजमूदार, अगर किसी व्यक्ति को रेबीज होने का खतरा है या रेबीज हो गया है, रेबीज होने के खतरा कैसे होता है, अगर रेबीज हो जाता है तो व्यक्ति वाटर से हाइपोफोबिया यानी पानी से उसको डर लगने लगता है, आदमी पानी देख करके इस तरीके से झटके मारने लगता है और मेरे भाइयों धीरे धीरे कर करके वो कुत्ते की तरीके से उसकी आवाज़ निकलने लगती है और आखिर में वो दम तोड़ देता है और दुनिया छोड़ देता है। मेरे भाइयों, वो होता कौन है? वो होता है एक गरीब और अज्ञान व्यक्ति जो तो ना रेबीज इंजेक्शन लगवाने की ताकत रखता है, ना सरकारी अस्पताल जाने की ताकत रखता है, ना प्राइवेट दिखाने की ताकत रखता है। मेरे दोस्तों, मुझे बहुत उस वक्त दर्द होता है, मेरे हृदय में चुभन होती है कि काश मैं पूरी दुनिया को वो सारी दवाइयाँ बता दूँ जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके, जिससे कि लोगों का भला हो सके। यही मुहिम को आगे बढ़ाते हुए मेरे भाइयों, यही मुहिम को मैंने सोचा कि चलिए आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते बढ़ाते आज मैं आ चुका हूँ लखनऊ की सरजमी पर और बहुत सारे दवाइयाँ इन्हें सीखने का शौक भी है तो इन्हें भी बताना है। और आपसे भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी कुत्ते का काटा व्यक्ति आ जाए, अगर आपके पास किसी भी जाति बिरादरी, कोई भी धर्म, किसी भी प्रदेश का हो मेरे भाइयों, किसी भी देश का हो, उस व्यक्ति को जिस तरीके से मैं आपको दवा बताऊंगा आपको खिलाना है और पैसा बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे भाइयों, मैंने देखा है लोगों को कि लोग अपनी अपनी जगह पर छोटी छोटी सी गद्दियां बनाए हैं और कहते हैं कि चलिए आप मुझे पैसा मत दीजिए, ये गुल्लक है, इसमें आप पैसा डाल दीजिएगा, इसी बहाने वो लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन ये सब गलत है। इस तरीके के लोग कान खोलकर सुन लें कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में ATM कार्ड नहीं चलता है। जिन लोगों को पैसे का हवस है वो इस वीडियो को कहते ही ना देखें और जिनके सीने में डॉक्टर आरिफ जैसा दिल है वही इस वीडियो को देखें। जातिवाद के झगड़ों को खत्म करिएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारी चीजों को बिल्कुल से त्याग दीजिएगा मेरे दोस्तों। अब अगर आपको वीडियो साफ आ रहा हो तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आइएगा थोड़ा सा, अब आपने को करना क्या, थोड़ा स्पीड में आइएगा। ये देख लीजिएगा लखनऊ की सरजमीन है, ये आपको इधर से थोड़ा सा यूं भी लोकेशन करके दिखा दीजिएगा, ये भी आप देख लीजिएगा, मैं अपने हिसाब से तो आपको दिखा रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं पता कि आपको अच्छा लग रहा है बुरा। तो आइए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या करना है उस व्यक्ति के साथ में जिसको कुत्ता काट ले। ये बहुत ही तादाद में यहाँ पर रोडों पे लगी रहती है, हमारे यहाँ इसको अकौआ कहते हैं, अकौड़ कहते हैं, मदार भी कहते हैं। और आपके यहाँ किस भाषा में इसे क्या कहा जाता है जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या आपके यहाँ भी लोग इसकी खुनगी को कुत्ते के काटे में देते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा, और जो भी देते वो जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे ZRFZ YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। देख लीजिएगा, पसीने से लबरेज हूँ लेकिन आपकी सेवा में यहाँ पर दो वीडियो मैंने बनाए हैं, बारी बारी से दोनों डालूंगा। तो आपको ये लेना है, ये इसकी अकौड़ की मदार की पत्ती, इसका दूध नहीं लेना है। लेने के बाद इसको थोड़े सारे गुड़ में मिला देना है, यादव जी इसको थोड़े सारे गुड़ में मिला देना है और उस व्यक्ति को नहर मुंह बुलाना है और खिला देना है। खिलाने के बाद उसको बोलना है कि कम से कम आधा घंटे एक घंटे तक ना ही वो व्यक्ति पानी पिएगा और ना ही व्यक्ति वो खाना खाएगा। उसके बाद वो पानी भी पिए, खाना भी खाए, किसी को रेबीज होने का खतरा है वो भी खाए, आके किसी को अगर रेबीज हो गया है तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन उसकी विधि दूसरी है, उसकी विधि को जानने के लिए मेरे नंबर 9451479641 पर कॉल कीजिएगा। और किसी भी व्यक्ति को अगर गुप्त रोग से संबंधित बीमारी हो, दांत हो, प्रसूत हो, लिकोरिया हो,
या कि गुर्दे में पथरी हो या पित्ते में पथरी हो या शुगर की बीमारी यदि घातक हो या कि मेरे भाई हो, धीरे धीरे खाया पिया पछता नहीं है, वजन घटता चला जा रहा है, ऐसे रोगी भी समस्या अपनी लेकर आए। और मेरे भाइयों, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर से आपका लीवर भी 90% तक डैमेज हो चुका है तो ऐसे लोग भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको निःशुल्क आपको मशवरा दूंगा, निःशुल्क सलाह दूंगा। तो दोस्तों बने रहिए ZRFZ यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।